नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मितेश सोनी और आप देख रहे हैं M2S कार इन्फो। दोस्तों आज है संडे, तो आज बारी है वीकली कार न्यूज़ की। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पिछले सप्ताह में कार इंडस्ट्री में क्या क्या कुछ हुआ है। एक बात आपको मैं बता दूं कि मेरी जो वीडियोस है वो सभी लोग देखते हैं, जिनमें से 99% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिर्फ 1% ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है और मेरे वीडियो देखते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो, ये कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी अच्छी वीडियोस बना पाऊँगा। रिव्यूज़ के वीडियो भी मेरे चैनल पे आ रहे हैं, तो वो भी आप ज़रूर एक बार देखिएगा। बाकी चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली न्यूज़ से। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो सबको दुखी करने वाली न्यूज़ है, जो कि आप सबको पता है, सर रतन टाटा अभी शून्य में नहीं रहे हैं। 9 अक्टूबर को उनकी डेथ हो चुकी है और ये ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में उनकी जो अंतिम सांसें उन्होंने ली थी। और उनका जो डेथ का कारण था वो था कि उनके जो मल्टीपल ऑर्गन्स थे उन्होंने वो काम करना बंद कर चुके थे, यानी कि उनको ब्लड प्रेशर लो हुआ था और फिर वो गए थे और उस तरह से इनकी डेथ हुई थी। तो ये काफ़ी दुखद बात है कि एक जो लेजेंड पर्सन जिन्होंने भारत के लिए इतना सब कुछ किया है और सभी जो मिडिल क्लास लोग हैं भारत के उनके लिए सोचा है, और वो अभी हमें छोड़ कर चले गए हैं। तो आज जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने एक वीडियो देखा था कि अंबानी और अडानी जो है उन दोनों की जो नेटवर्थ है उससे भी ज़्यादा टाटा फैमिली, टाटा जो ग्रुप है वो डोनेट कर चुका है। और एक भी एक कहानी और भी है कि एक बार जो सर रतन टाटा थे वो गाड़ी से जा रहे थे और बारिश हो रही थी, तो एक फैमिली थी जो बाइक पर खड़ी थी और बारिश में भीग रही थी। तभी उनको ये ख्याल आया कि जो भारत के मिडिल क्लास लोग हैं उनके पास भी कार होनी चाहिए। तो उन्होंने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट टाटा नैनो डिज़ाइन किया और नैनो को 1 लाख रुपये की कीमत पर लॉन्च किया। लेकिन फिर भी हम लोगों ने उसे रिस्पेक्ट नहीं दी, क्योंकि अगर हम 1 लाख रुपये की कार खरीदते हैं तो हमारा जो ईगो है वो हर्ट होता है, क्योंकि हमारी जो क्या बोलते हैं कि साख होती है ना वो भी कम हो जाती है। तो इस तरह से नैनो फ्लॉप हो गई और उनको बहुत ही इस बात का दुख हुआ था। लेकिन फिर से टाटा मोटर्स, टाटा कंपनी जो है वो काफ़ी ऊपर आई है। तो रतन टाटा को मेरी तरफ से दिल से श्रद्धांजलि मैं देना चाहूँगा। अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के लिए। सेकेंड न्यूज़, 2025 महिंद्रा इलेक्ट्रिक SUV E.09 और BE.05 दोनों अब फुली रिवील हो चुकी है। आप फोटोज़ में देख सकते हैं इसकी पूरी डिज़ाइन। जो BE.05 है वो रियर व्हील ड्राइव रहेगा, बाकी जो ये कंफर्म हो चुका है, और बाकी जो दूसरी कार है E.09 उसका अभी कंफर्मेशन नहीं मिला है। तो देखते हैं महिंद्रा क्या अगर इसी तरह से ये लॉन्च करेगा, इसका जो हमने देखा है फोटो, तो काफ़ी फैंसी कार भी हो जाएगी। किसी को पसंद नहीं आएगी, किसी को आएगी। पर्सनली मुझे ये थोड़ा बहुत नहीं पसंद आएगी, क्योंकि काफ़ी मतलब शार्प डिज़ाइन यहाँ पे ली गई है। चलते हैं आगे, तीसरी न्यूज़ महिंद्रा की तरफ से ही है। महिंद्रा 2026 तक अपनी XUV700 और स्कॉर्पियो N में पेट्रोल हाइब्रिड का ऑप्शन ला देगी। उनकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी, यानी कि जंप होगी, और साथ साथ ही इन दोनों के प्राइस भी जंप होने वाले हैं, क्योंकि पेट्रोल हाइब्रिड इसमें आने वाला है। तो देखते हैं किस प्राइस में लॉन्च होती है, और 2026 को अभी 2 साल बाकी है, तो देखेंगे आगे। अभी आगे चलते हैं, 2025 किया सोनेट EV को स्पाइक किया गया है। बैटरी और मोटर की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। रेंज ये दे सकती है 450 किलोमीटर तक, जो कि नेक्सॉन EV से कंपेयर करने वाली है। हालांकि नेक्सॉन EV जो है अभी नहीं आई है, उसकी क्लेम रेंज है 489 किलोमीटर। तो देखेंगे किया EV सोनेट में क्या कुछ चेंज यहाँ पे देखने को मिलता है। अभी स्पाइस शॉट पे आप देख सकते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे कैसा रहने वाला है। अभी चलते हैं आगे, 2025 जीप कंपस न्यू जनरेशन का जो फर्स्ट टीजर है वो जारी कर दिया गया है। एक्सटीरियर में यहाँ पे काफ़ी कुछ चेंज किए जाने हैं। आगे, रेनो विक्टर SUV जो कि डस्टर का ही 7-सीटर वर्जन है उसे टीज कर दिया गया है, जो कि ग्लोबली किया गया है। ये इंडिया में लॉन्च हो सकती है 2025 के आखिर तक। पहले डस्टर के फेसलिफ्ट को लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद इसके जो 7-सीटर है उसे लॉन्च किया जा सकता है। डस्टर भी अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन रूमर्स जो कह रहे हैं कि डस्टर इंडिया में वापस आ रही है।
तो देखते हैं रेनो आखिर क्या करेगा, क्योंकि उनकी सेल्स भी महीने दर महीने काफ़ी नीचे जा रही है। उनका जो ट्राइबर है कार, उसकी सेल्स ही सिर्फ 1500 से 2000 होती है, बाकी सब रेनो का डाउन चल रहा है। तो जल्दी से लॉन्च कर देना चाहिए रेनो को। आगे सेवन न्यूज़। अब टाटा मोटर्स भी टाटा नेक्सॉन ईवी में बास, यानी कि बैटरी एज ए सर्विस की सर्विस प्रोवाइड करेगी। उसके बाद इसे पंच ईवी, टियागो ईवी, टिगोर ईवी और कव ईवी में भी लॉन्च किया जाएगा। ये जो है वो इफेक्ट है एमजी विंडसर ईवी का, जिसको सिर्फ एक दिन में 15,000 से ज़्यादा बुकिंग्स मिली है। तो इसका इफेक्ट टाटा मोटर्स पे पड़ा है, तो बार्स जो सर्विस है वो लॉन्च करने वाली है। तो अभी आगे चलते हैं, मैं पेज को पलटा देता हूँ। पूरा अनकट वीडियो रहता है ये, कोई भी कट इसमें नहीं रहता है। आगे BYD E-MiX 7 को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। प्राइस रखी गई है 26,90,000 रुपये। इसमें आपको 71.8 किलोवाट आवर का बैटरी बैक मिलेगा। रेंज रहेगी 530 किलोमीटर की क्लेम रेंज, और इसका पावर रहेगा 201 BHP का। तो अगर आप एक 7 सीटर लेना चाहते हैं इलेक्ट्रिक, तो BYD E-MiX 7 आपको ये मिल जाएगी 26,90,000 रुपये से। आगे चलते हैं, मारुति ने ग्रैंड विटारा के डोमिनियन एडिशन को लॉन्च कर दिया है। आपको इसके नॉन हाइब्रिड सभी वेरिएंट में, यानी कि डेल्टा, जेटा और अल्फा में ये मिलेगा, और CNG के सभी वेरिएंट में ये मिलने वाला है। जो इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है उसमें आपको नहीं मिलेगा ये डोमिनेंट एडिशन। आपको इसमें अलग अलग वेरिएंट पे हिसाब से अलग अलग यूनिक एसेसरीज प्रोवाइड की जाएगी। डोमिनेंट एडिशन यही है, कोई खास इसमें फीचर वगैरह ऐड नहीं किया गया है। तो जो भी लेना चाहे अगर ये डोमिनेंट एडिशन, तो आप नेक्सा के शोरूम पे जाइएगा, चेक कीजिएगा। लगभग सभी मॉडल के हिसाब से मैं टॉप मॉडल का आपको बताता हूँ, तो 52,000 की एसेसरीज यहाँ पे यूनिक एसेसरीज दी जाती है। आगे 2025 महिंद्रा XUV 700 ईवी को फिर से एक बार टेस्ट करते हुए देखा गया है, जिसे 2025 में लॉन्च किया जाना है। तो अगले साल इसे लॉन्च किया जाएगा, बारी बारी हर बार इसे यहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है और ये स्पाई हो रही है। आगे टाटा हेरियर ईवी और सफारी ईवी को ऑल व्हील ड्राइव टेरेन का मोड, यहाँ पे जो इसका मोड है वो लीक हो चुका है, आप फोटोज़ में देख सकते हैं, जिससे ये बात कंफर्म होती है कि हेरियर ईवी और सफारी ईवी में आपको ऑल व्हील ड्राइव मिलने वाला है। तो जो भी सफारी और हेरियर में ऑल व्हील ड्राइव लेना चाहते थे, तो आपको ईवी में मिलेगा, और उसके बाद इसके पेट्रोल वेरियंट में मिलेगा और डीजल वेरियंट में। सफारी में भी आपको पेट्रोल वेरियंट जल्द ही मिलने वाला है, तो इसका वेट अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए। आगे मर्सिडीज ई क्लास लॉन्ग व्हील बेस को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। प्राइस रखी गई है 78.50 लाख रुपीस। ये एक्सोरूम प्राइस है, और इसका जो 6th जनरेशन है जो इंडिया में यहाँ पे लॉन्च किया गया है। आगे 13 न्यूज़। किया ईवी 4 के इंटीरियर को स्पाई किया गया है, जिसमें आपको बड़ी फ्लोटिंग टच स्क्रीन दी जाएगी। आगे 14 न्यूज़। स्कोडा काइलाक को फिर से एक बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, इसे नेक्स्ट मंथ लॉन्च किया जाएगा। तो जो भी काइलाक का वेट कर रहे थे, तो अगले महीने ये कार मार्केट में आ रही है। आगे मारुति ने एक और यहाँ पर रिकॉर्ड बनाया है, पहले भी बनाए थे काफ़ी, अभी एक और रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया है। मारुति ने अपनी फ्रॉन्क्स की 2 लाख से भी ज़्यादा यूनिट बेच दी है, यानी कि सेल कर दी है, जो कि सिर्फ 17.3 महीनों के बीच यहाँ पर ये किया गया है। पहली जो 1 लाख यूनिट है वो 10 महीनों में बिकी थी, और जो दूसरी 1 लाख यूनिट है वो 7.3 महीनों में बिकी थी। तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेसन मारुति सुजुकी को, इन उनकी जो एक और कार है ये हिट हो चुकी है। मेरा पर्सनल व्यू आपको दूँ तो ये कार मुझे नहीं पसंद आती है, क्योंकि हैचबैक को ज़बरदस्ती यहाँ पे SUV का नाम यहाँ पे दिया गया है, न्यू ब्रेड SUV। यार कहीं से भी किसी भी एंगल से ये कार मुझे SUV नहीं लग रही है। अगर हैचबैक के नाम से लॉन्च करते तो मैं इसे सराहना ज़रूर देता। आपके क्या विचार है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे चलते हैं 16 न्यूज़। सिट्रोन ने एक और कमाल यहाँ पे कर दिया है। सिट्रोन बसोल्ट ने भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 4 स्टार अचीव किए हैं। एडर सेफ्टी के लिए यहाँ पे 4 स्टार अचीव किए हैं, और जो चाइल्ड सेफ्टी है उसके लिए भी 4 स्टार इसे मिले हैं। ताजुब की बात यह है कि ये बसोल्ट C3 के प्लेटफॉर्म पर बनी है। C3 ने लेटिन एनकैप क्रैश टेस्ट में 0 आउट ऑफ 5 स्टार स्कोर किए थे, और E3 ने जो ग्लोबल एनकैप है उसमें 0 आउट ऑफ 5 स्टार स्कोर किए थे। तो उसी प्लेटफॉर्म पे बनी है, लेकिन इसको 5 स्टार अभी मिले हैं। तो देखेंगे आगे क्या
कैसा इसका बिल्ड रियल लाइफ में देखने को मिलता है। एक दो अगर एक्सीडेंट में कार है, एक्सीडेंट तो देखने को मिलेंगे, उसमें पता चल जाएगा। आगे चलते हैं 17 न्यूज़। महिंद्रा थार रॉक्स की डिलीवरी शुरू हो चुकी है। जिसने भी बुकिंग कराई है उसको मिली है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। दशहरा यानी कि कल से ये बुकिंग शुरू हुई है। आगे MG विंटर EV की भी जो डिलीवरी है वो शुरू हो चुकी है। दशहरा यानी कि इसको भी कल से यहाँ पे डिलीवर करना शुरू कर दिया गया है। टाटा को एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, हालांकि न्यूज़ महिंद्रा और MG की है, लेकिन मैं टाटा को बताना चाहूँगा कि उनकी कब जो है वो लॉन्च हुए एक महीना हो चुका है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों को यहाँ पे डीजल में जो DCA वेरिएंट है, पेट्रोल और डीजल में DCA वेरिएंट अभी तक किसी को यहाँ पे नहीं मिला है, जिनमें से मैं भी एक हूँ। तो ये देखना चाहिए कि दशहरा हम वेट करते हैं कि उस दिन हमें कार मिल जाए, लेकिन मुझे अभी तक नहीं मिली है, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है अगर टाटा का कोई भी यहाँ पे पर्सन है वो देख रहा है तो। आगे 19 न्यूज़। टोयोटा हाइराइडर का भी फेस्टिवल लिमिटेड एडिशन यहाँ पे लॉन्च हो चुका है। कहानी यहाँ पे सेम है ग्रैंड विटारा की डोमिनेंट एडिशन की, तो मैं डिटेल में यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, उसमें यहाँ पे भी आपको एसेसरीज ऑफर की गई है। आगे 20th न्यूज़। स्कोडा काइलाक को यहाँ पे टीज कर दिया गया है, एक बार फिर से इसको टीज किया गया है। इस बार आर्ट गाय रॉब के साथ कॉलेब करके इसके जो कैमोफ्लाज है उसे डिजाइन यहाँ पे किया गया है। तो जो रॉब है आपको पता होगा, अगर आप बचपन से मैड देखते थे तो मैं देखता था, मैड एक करके शो आता था पोगो पे, तो उसमें रॉब करके एक कैरेक्टर आता था, उसके साथ यहाँ पे कोलैब किया गया है। मैंने काफ़ी मतलब मैं वेट करता था उस शो को देखने के लिए, और यहाँ पे उसे यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो देखेंगे काइला कैसी निकल के आती है। अभी आगे 21 न्यूज़। महिंद्रा थार रॉक्स की सबसे पहली यूनिट का ऑक्शन हो चुका है। इसको आकाश मिंडा ने खरीदा है, 1,31,00,000 रुपए में यहाँ पे खरीदा गया है। इन्होंने थार जो 3-डोर है उसका जो ऑक्शन हुआ था वो भी इन्होंने खरीदा था, जो कि रहा था 1,11,00,000 रुपए में खरीदा था। यहाँ पे जो थार रॉक्स है उसका नेब्यूला ब्लू कलर यहाँ पे इन्होंने परचेस किया है। तो ये आकाश मिंडा है उसके बारे में आपको बता दूँ, तो मिंडा कॉरपोरेशन लिमिटेड के यहाँ पे ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेसन महिंद्रा को और यहाँ पे आकाश मिंडा को भी, क्योंकि ये जो पैसे हैं वो महिंद्रा डोनेट करने वाली है। अभी आखिरी न्यूज़ इस हफ्ते की, 2025 जीप मेरिडियन की बुकिंग शुरू हो चुकी है। इसकी जो नई प्राइसेस है वो अभी आनी बाकी है, तो जो नई मेरिडियन खरीदना चाहते हैं वो बुकिंग करवा सकते हैं। तो ये थी इस हफ्ते की न्यूज़ जो कि मैंने कवर की। न्यूज़ में एक बात रतन टाटा की मैं फिर से करना चाहूँगा, काफ़ी अच्छे इंसान थे और काफ़ी इन्होंने योगदान दिया है, तो उनको मेरी तरफ से श्रद्धांजलि फिर से एक बार। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।